असल खुश खैर तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर प्रोग्राम में अपने बात करते हैं कुछ मसाइल के हवाले से आवामी इशूज़ के ऊपर प्रोग्राम में गुफगू होती है इसलिए कई प्रोग्राम्स में आप देख रहे हैं बड़ी तफसील से गुफगू हुई है महंगाई के हवाले से सेहत के हवाले से तालीम के हवाले से और इसी तरह जो दीगर आवामी मसाइल ये अवामी मसाइल के ऊपर इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है इसका मकसद ये है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सब किसान है गुजा दो दिनों से जो हालात व वाक़ रहे हैं सियासी पे एक आम आदमी बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से उसका कोई ताल्लुक़ किसी सूरत भी नहीं है वो ये जानना चाहता है कि जो उसके खालिता मसाइल हैं महंगाई के हवाले से रोटी के हवाले से सब्जियों के हवाले से दालों के हवाले से गोश्त के हवाले से बिजली के हवाले से पानी के हवाले से इसके ऊपर अब तक क्या पेश हुई है या कौन इसमें दिलचस्पी ले रहा है उसको कतई इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है कि पुलिस के, के आला अफसर कौन हैं क्या कर रहे हैं छुट्टियों पे जाते हैं नहीं जाते किसके दबाव पे काम कर रहे हैं किसके दबाव पर काम नहीं कर रहा है सब जानता है इदारे की कारकरदगी अपनी क्या है सबसे पहले तो ये एक सवाल है ये एक 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 सवाल एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि पुलिस का महकमा इसमें हो क्या रहा है ये जो कुछ हुआ है ये तो एक चल सियासी नोयत का मामला है इसको एक तरफ रखते हुए इदारे के अंदर जो कुछ हो रहा है वो क्या है इस सीनियर पुलिस एहलकार हों जूनियर पुलिस एहलकार हों क्या कर रहे हैं अपने इदारे की कारकरगी है क्या सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सवाल है क्या कभी इसके ऊपर कभी किसी ने इस्तीफ़ा दिया है कभी जो कुछ होता आया है थानों के अंदर जो कुछ हो रहा है जिस तरह इंसानियत की तजलील हो रही है जिस तरह इदारे की कारकर्दगी है क्या इसके ऊपर कभी कोई इस्तीफ़ा सामने आया है जो रवैया है Uh, किसी भी पुलिस एहलकार का आवाम के साथ कभी इसके ऊपर कोई एक काम हुआ है इदारे की अपनी कारकर्दगी पिछले दस साल बीस साल तीस साल और चालीस साल में जो इदारे की कारकरी रही है क्या रही है कभी ये जानने की कोशिश की है सी, सीनियर पुलिस एहलकारों ने कि नीचे उनके क्या हो रहा है सब कुछ जानते हैं क्या क्या केसेस नहीं बने हैं किस किस तरह के uh, क्रिमिनल एक्ट्स में नहीं नॉमिनेट हुए कन्विक्शन नहीं हुई है क्या कार्रवाई हुई है सबके सामने सबको पता है क्या और तो इससे कतई अवाम का कोई सरोकार नहीं है कि कौन छुट्टी पे जाता है कौन नहीं जाता किसके दबाव पर और कौन से दबाव की बात करते हैं कौन सा दबाव क्या आवाम को नहीं पता लोग नहीं जानते कि किसके दबाव पर आके कौन पुलिस वाला किसके ख़िलाफ़ एफ आई आर काट देता है हुकुमर तो जमात का कोई एम पी एक फ़ोन कर दे आधी रात को तो कौन काम करता है ये सारी चीज़ें बेमानी सी तो ये यकीन इससे ना कोई सम्पत्ति मिलने वाली कम अज़ कम आवाम के जैसे मैं देख रहा था गुजतर रोज़ भी एक स्टेटमेंट चल रही थी अमाम मोहब्बत का रिश्ता और फलाना अब हमका कोई का कोई कतई किसी किस्म का कोई ताल्लुक या रिश्ता पुलिस के साथ नहीं है ना ही किसी किस्म की कोई इज्जत है ये बात समझ लीजिए बड़ी तल्ख बात है लेकिन बिल्कुल हकीकत बात है एक आम आदमी से जा के ज़रा राय लीजिए वो आपको जो अफाज़ों से जिनसे नवाजेगा वो सुनकर ज़रा चला दीजिएगा टी वी के ऊपर फिर आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से इदारे की कितनी इज़्ज़त है तो ये इदारों की इज़्ज़त है और इसकी इज़्ज़त को बेहतर बनाने में इसके ऊपर इमेज को बेहतर बनाने के लिए क्या काम किया कि सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर जो हमारे चाहे एक दोस्त भी हैं उनसे भी मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि इदारे की इमेज बेहतर बनाने के लिए क्या काम किया और जो कुछ आया और इसमें सब क़ानून साज भी शामिल हैं जो कानून साजी कर रहे हैं क्योंकि ये जो पुलिस का सिस्टम है चाहे कराची में हो सिंध के अंदर लाहौर पंजाब कहीं पे भी आप जाके देख लें कम उेश एक जैसा पुलिस का सिस्टम है और कुछ देर पहले ख़बरों में भी हमारे पास दिखा रहे थे लाहौर के सी सी पी ओ के हवाले से आजकल ख़बरें कुछ ज़्यादा आ रही हैं उनके हवाले से जो कुछ हो रहा है वो भी आवाम के सामने कोई ऑडियो टेप वगैरह भी आ गई है जो रवैया है आवाम के साथ वो सब सामने तो चाहे खैबर पखतनखा की पुलिस हो सिध की पुलिस हो किसी भी सूबे की पुलिस हो कम उेश एक ही जैसी कारी है सिफर बटा सिफर ही है Uh, किसी भी तरफ आप नज़र उठा के देख लें तो इससे तो कोई जो है वो आप समझ लें कि आवाम के हवाले से तो कोई इसमें कोई वो नहीं है कि आवाम इसके ऊपर जो है कोई फ़िक्रमंद है या सोच रही है क्या हो रहा है इससे पता ही कोई लेना देना नहीं है कि कौन आता है किसकी अपॉइंटमेंट होती है किसको फारिग किया जाता है इससे कतई कोई लेना देना नहीं है अवामी मसाइल कभी भी हल नहीं हुए आज भी एक आम आदमी एक आम पाकिस्तानी थाने में जाने से घबराता है सिर्फ इनके रवैयों की वजह से इनके काम करने के तरीक़े की वजह से और जो कुछ है वो सबके सामने है और इसके ऊपर अगर बात करना शुरू करें तो ये बहुत बड़ी लंबी बहस जो है वो हो जाएगी तो बहरहाल ये हमारा कतई मकसद नहीं है मकसद सिर्फ ये है कहने का या बात करने का कि आवामी मसाइल आज भी अपनी जगह मौजूद हैं तो वो सुबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि आज भी एक आम आदमी का मसला सिर्फ यही है कि उसके घर में ना पीने का साफ़ पानी है ना अब उसके पास खाने के लिए रोटी है ना उसके पास इतनी इस्तात है कि वो सब्ज़ी खरीद सके दाल खरीद सके वो इससे भी बाहर हो गया तो इससे कतई कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप किसको अपॉइंट करते हैं किसको छुट्टी पे भेजते हैं नहीं भेजते ये आपका मसला है ठीक है जी तो ये बात क्लियर हो गई अच्छा जी फिर ये कि अब जो कुछ हो रहा है इसके हवाले से बात करनी ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त यही मौजू सबसे ज़्यादा जेर बहस है सवाल भी यही उठाया जा रहा है तो मुख्तलिफ जावियों से इसके ऊपर सवाल हो रहे हैं जी हमें कोई ज़ाविया नहीं देखना हमें सिर्फ ये देखना है जैसे मैं बार बार बात दोहराता हूँ कि आम आदमी का इसमें क्या है उसके लिए क्या है अगर उसमें कोई चीज़ तब्दील हो जाती है या किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है तो क्या आम आदमी को उससे कोई फ़र्क पड़ना है और जहाँ तक बात इदारे की साख का है तो मैं अब इस बारे में अभी आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसको बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे मौाक़े हैं जो ख़ास तौर पर एक दो जगह भी कहा जा रहा है जी बड़ी बहादुरी दिखाई है बड़ी जरूरत ये सारी बड़ी बेईमानी सी बात है इसमें कोई वज़न नहीं है बैरल जी आज हम तमाम मामलों पर गुफ्तु करेंगे सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तु की जानी चाहिए और अवामी मसाइल हमेशा से हमारे लिए तो सर फहरिस्त अवानी मसाइल ही हैं हम क्यों खुद पाकिस्तानी हैं इन तमाम मसाइल से रोजाना इन चैलेंज़ को फेस करते हैं जो सेहत का मसला है ट्रांसपोर्ट का मसला है ये जो दीगर मसाइल हैं तो इसके हवाले से सवाल उठाते रहेंगे और वो खास तौर पर जो वादे किए गए थे उसमें एक वादा ये भी था भी जो कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे टीम सारी डिस्कस कर रही थी मामला के ऊपर तो ये भी बात जहन में आई कि एक पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से बात की गई थी ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो उन्होंने कहा था कि ये चंद एक ऐसे मसाइल हैं पाकिस्तान के जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है बहुत पीछे रह गया उसमें पुलिस के इदारे के बारे में उन्होंने कहा था कि आज़ाद होनी चाहिए खुद मुख्तार होनी चाहिए इंडिपेंडेंटली कार्रवाई करे किसी के भी खिलाफ तो वो तमाम चीज़ें वो किस हद तक जो है वो चीज़ मटेरलाइज हुई हैं इसके ऊपर जरूर बात करेंगे और साथ ही दीर मामला तो उसको डिस्कस करेंगे हमारे मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे इस वक्त हमें फौजिया सदीकी सेक्रटरी इन्फॉमेशन वेमेंस में कराची यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इसा की उन्हें मैं खुश आमद करूँगा बहुत शुक्रिया आपका फौजिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए फौजी ये फर्माइए कि जो कुछ होता आया है बहरहाल आवाम के मफाद में तो कोई भी चीज़ नहीं है तास क्या दिया जा रहा है कि अगर वफाकी हुकूमत इन छोटे छोटे मसाइल के ऊपर अगर सूबे के अंदर इन्फ्लुस करेगी तो फिर लोग ये हक़ बजाने में पूछने में कि जनाब ये फरमाइए कि जो अवामी मसाइल हैं जैसे महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है जब इसके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या दीगर मसाइल के हवाले से जब ये सवाल किया जाता है कि विफाक हुकूमत अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर सकती तो फिर इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि एक पुलिस के ऊपर या कोई अगर किसी महकमे के ऊपर अगर अपना इन्फ्लुएंस दिखाना है तो बाकी हुकूमत जो है वो आ, 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 काम कर सकती है लेकिन अवामी मसाइल को हल करने के लिए काम नहीं कर सकती कैसे इसका दिफा करेंगी क्या कहेंगी आ, थैंक या में किया। आ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि जैसे महंगाई महंगाई तो आज का मसला नहीं है ये सत्तर साल से ही चला आ रहा है और इस सिस्टम एक्चुअली सिस्टम का इशू होता है हुँ, हुँ. आप जब सिस्टम ही ठीक नहीं करोगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी जब हुँ. सिस्टम ठीक होने पे आता है तो मुखालफिन की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं जैसे ही कोई रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जाती है तो सूबों के जो इख्तारत हैं उनके ऊपर बात शुरू हो जाती है कि यह हम यह आपके दायरे कार में नहीं है ये आपकी मतलब वफाक अगर उसमें इंटरफेयर करता है अच्छा रही बात महंगाई की या कीमतों की बढ़ने की और दाल और चावल देखें आम आदमी का वाकई यही एक मसला है उसको नहीं पता कि ऊपर क्या हो रहा है उसको नहीं उसको नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई कोई आ, जैसे अभी आपने देखा दो तीन दिन जो सिंध के अंदर कराची शहर के अंदर इतना बड़ा तमाशा लगाया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अच्छा अब रही महंगाई के ऊपर बात कर लेते हैं देखें आ, जिस तरह से माफ़िया एक हम बार बार एक बात की तरफ तोज्ह दिला रहे हैं एक माफिया माफ़िया क्या चीज़ होती है माफिया ये है कि जो जख़ीराज़ जो लोग होते हैं जो स्टॉक करते हैं मार्केट से चीज़ें गायब कर देते हैं महंगी करके बेचते हैं देखें करप्शन तो हमारे अपने अंदर है आप अगर खुद ठीक नहीं करेंगे तो हर चीज़ हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते हैं अगर आपकी गली में मोहल्ले में फौजिया <coughs> कत कलामी की माजरत माजी में ये होता था कि आप लोग जब जल से किया करते थे तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया करते थे आज आप ये बात कर रही हैं कि हमें खुद ठीक होने की ज़रूरत है मैं आपकी बात से यहाँ पे इतफाक़ करता हूँ कि हमें खुद भी ठीक होने की ज़रूरत है लेकिन माजी में जब ये कुछ होता था तो इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूतों के ऊपर आयद करते थे उस वक्त क्यों नहीं तस्करा करते थे कि हमें खुद ठीक होने की ज़रूरत है लीडर का काम तो ये होता है कि कौमों को बनाता है उनकी असलाह करता है लेकिन उस वक्त तो सारा का सारा मलबा हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाता था कि बिजली अगर महंगी हो जाएगी तो हुमरान चोर हैं इस वजह से बिजली महंगी हो रही है अगर ख़ीरांदोजी हो रही है तो ज़िम्मेदारी वजीर आजम के ऊपर आयद होती है तो उस वक्त तो सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ वजी के ऊपर तो तो टाइम लगता है अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से गंदम का बुरहान किया गया मार्केट से गंदम गायब कर दी गई और जिस तरीके से कई टन जो है गंदम इम्पोर्ट भी करी ताकि ये जो डिजास्टर क्रिएट किया जा रहा है वो खत्म हो अब जो जखीराज सी बात है जो ज़खीरा अंदोजी करेंगे अब वो तो उनको तो अपना निकालना पड़ेगा माल क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत जो है हुँ. वो इसको इंपोर्ट कर चुकी है ताकि आवाम में डिमांड डिमांड सप्लाई सप्लाई का का गैप कम हाँ, हो जाए सप्लाई का जो इशू आता है वो ना आवाम को करने, फेस करना पड़े ठीक है।, है।, है दूसरी बात यह कि चीनी हो गई चावल हो गए आटा हो गया ये सब चीज़ें यही जो मैंने आपको एक मिसाल दी कि क्यों गायब की जाती हैं गायब इसलिए की जाती है कि कीमतें बढ़ाने के लिए अब आप एक छोटा जो है वो कारोबारी तबका वो भी कीमत बढ़ाएगा अब जैसे ऊपर से एक चीज़ आती है क्या नाम है मतलब रेट लिस्ट आती है चीज़ें आती हैं तो कोई भी मैं एक छोटी सी आ, मिसाल देती हूँ थेले वाले की हुँ. आप अगर 10 ठेले खड़े हुए हैं तो 10 ठेलों से आप रेट ले लें 10 ठेलों के ऊपर जो है ना रेट का फर्क होगा किसी अला के, अला के पास भी जो है ना वो रेट लिस्ट नहीं होगी ठीक है आप कितने लोगों को पकड़ेंगे जाके हुँ. देखें इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स को

आ, बुरी तरह नाकाम हुए हर शोबे में कीमतों को कंट्रोल कराना एक जिम्मेदारी यहाँ उनके ऊपर आयद की गई नाकामी हुई और बार बार इस बात की तमबी हम करते रहे कि इस चीज़ के ऊपर आपने एक्शन लेना है लेकिन उस नाकामी के ऊपर उनको जो है वो आपको पता है कि फिर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है माशाल्लाह तो ये हमारी कारदगी का मेार हमने रखा है कि अपने एक शोबे में अगर कोई शख्स नाकाम हो जाए एक जमात में फ़ेल हो जाए तो उसको प्रमोट करके दो जमातें आगे भेज दिया जाता है ये है नतीजा आपके सामने और ये हो रहा है इदारों के अंदर तो यहाँ तक तो बात ठीक है अब ये जो टाइगर फोर्स का जो फ़लसफ़ा है ये ज़रा समझाइएगा कि ये टाइगर फोर्स का क्या आपने तरीका बनाया है जब इदारे मौजूद हैं मिनिस्ट्रीज़ आपके पास हैं नोटिस आप ले रहे हैं कमीशन आप बना रहे हैं इंक्वायरीज आप कर रहे हैं जब सब कुछ हो रहा है करप्शन के ख़िलाफ़ ड्राइव भी हो रही है लोगों को उठा के जेलों में भी डाल रहे हैं तो ये जो प्राइस पैरिटी है ये क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही इसका मतलब तो ये है कि मैनेजमेंट में बहुत बड़ा इशू है या तो ख़ान साहब तक सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं की जा रही और अगर की जा रही है तो जिनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए उनकी निशानदाही नहीं हो पा रही ये शायद मसला हो सकता है आप कहेंगे? देखिए मैं तो अपनी सिंध की बात करूंगी जहाँ तक मेरा, मेरा से है तो मैं अपने के अंदर। कि, कितनी मुतार है ये बताइए मुतार तो अभी आपको इनशाला कुछ चीज़ों सोशल मीडिया से भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी सोशल मीडिया पे देखे मैं इसको उठाएगा देखिये मैं कितनी तादाद होगी आपके ख्याल में आपके पास वॉल्टियर होंगे कोई आपके स ताद तो होगी कि सिंध में इतने वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं ताकि मैं उनका कोई हिसाब किताब रख सकूं उनको तो इन्शार, प्रोवाइड कर दूंगी क्योंकि जाहिर सी बात अलग -अलग है।, uh, uh, है।, 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 है तो uh, इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो काम है जो इंसाफ टाइगर फोर्स का इमरान खान ने वाजे कर दिया हमारा काम किसी भी इदारे के किसी भी जो भी उनकी ड्यूटीज हैं उनकी उसमें मदाखलत करना नहीं है हमारा है। काम है सिर्फ चेक एंड बैलेंस करना कि किस जगह पे क्या रेट पे चीजें मिल रही हैं उसकी वीडियोस बनाना उसकी पिक्चर्स और उस जगह की आपने सिर्फ अपडेट करना है सिटीजन पोर्टल तो इसके लिए फोर्स की क्या जरूरत है मैं जाता हूँ दुकान खरीदने के लिए चीनी मुझे वहां पर महंगी मिलती है मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ आपने तो पोर्टल एक बनाया हुआ है आप उसके ऊपर शिकायत के ऊपर कार्रवाई करें मसला हल हो जाएगा तो टाइगर फोर्स की क्या जरूरत है बताएगा ये देखे जब आम आदमी जो है ना वो डरता है अगर इंसाफ टाइगर फोर्स के जितने भी मेंबर्स uh, हैं हम लोग देखें हम काम करेंगे हम डरते नहीं हैं हमें सिस्टम के ख़िलाफ़ हम लड़ते आए हैं हम सिस्टम के साथ भी चलने के लिए तैयार है लेकिन सिस्टम को सही करके चलने के लिए तैयार है हैं। हम इस तरह चलने के लिए तैयार नहीं है कि करप्शन हो रही है चीजें हो रही है और हम सिस्टम के साथ उसमें अपना जो है ना वो लेन देन में हम शामिल हो जाए हमारा काम सिर्फ इतना है कि चीजों की निशानदेही करना कि किस जगह पे किस तरह का काम हो रहा है और कौन लोग किस तरह के लोग या कौन से सरमायादार इन चीजों में मुल्वस हैं अब हम अगर इस तरह से करना शुरू करेंगे और अगर सिटीजन पोर्टल पर इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है जो कि मुझे यकीन है कि होगा क्योंकि जब बड़ी ड्राइव एक शुरू कर दी गई है और उसके उख, उसको इमरान खान साहब ने खुद उसको यही है ठेले तो हाँ, वा वाला वो तो आम आदमी से उसकी कीमत वसूल करता है तो क्या पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे पुलिस रिफॉर्म का ही तो मसला चल रहा है अभी आप सिंध की बात करें जिस तरीके से वजीर आला ने और सी साहब ने अपनी घर की बांदी बनाया हुआ है आपके सामने किस तरीके से दो दिन में ये कार्रवाई हुई के आईजी डीआईजी सभी सब सब सारे छुट्टी पे चले गए कैसे छुट्टी पे चले गए मतलब सबका एक ही वर्डिक वर्डिक और एक ही आप यकीन करें मेरा एक फीसद इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है सारे मामले के अंदर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है।, है मेरा मसला सिर्फ ये है कि अवामी मसाइल हल अवाम के मसाइल के बात करें मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है कौन छुट्टी पे जाए रिजाइन करके चला जाए ना एक आम आदमी का कोई लेना देने उसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है ये बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं कि आम आदमी का लेना देने नहीं कि जैसे आप क्योंकि इनकी ना कारकर्दगी ऐसी है, है ना इनका काम ऐसा है कि इसको पूरा लोग सपोर्ट करें लोगों का इनसे कोई लेना देना नहीं है कोई सिंपथी किसी आदमी की इनके साथ नहीं है जी देखें अब जिस तरह के से आप बात कर रहे हैं कि अगर एक आम आदमी और वो अगर दे रहा है किसी को मतलब एक ठेले वाला भी है वो अगर किसी को भत्ता दे रहा तो वो बाकी आवाम से वसूल करें देखें, देखें अगर एक चीज आपके सामने नजर आ रही है एक चीज आपके सामने हो रही है डेफिनेटली हम उसी को चीज को टारगेट कर सकते हैं ना एक चीज आपसे छुप के हो रही है आपकी पीठ पीछे हो रही है आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम जो है वो फला जगह पे हो गया अब एक ठेले वाले से एक भत्ता लेके जा रहा है ठीक है अब मैं जाके ठेले वाले से ये पूछू की तुम ये मुझे बताओ कि भत्ता वो तो गरीब आदमी है वो तो बताएगा

ये बात कह दी है कि मुझे महंगाई के ऊपर कंट्रोल जो है ना वो मुझे पंद्रह से बीस दिन के अंदर मुझे इस पे कंट्रोल चाहिए अगर इस पे कंट्रोल नहीं होता तो तमाम मिनिस्टर्स और तमाम जितने भी अला क्यादत इस वक्त मौजूद है हमारी वफाक में उन सब से जो है उसका सवाल किया जाएगा देखिए कम अज कम कम ये बात कह चुके हैं वो, वो के अगर कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट तो लेते हैं ना काम तो कर रहे हैं ना कोशिश है तो, तो कर रहे है, फोजिया मसला ये कि लोग परेशान भी इसी वजह से हैं कि वो जब नोटिस लेते हैं या किसी की रिपोर्ट लेते हैं तो वो चीज उसके हाथ से निकल जाती है तो अब लोग दुआ करते हैं कि भाई किसी और चीज का नोटिस मत लें खुदा का वास्ता है आपसे गुजारिश ही है कि नोटिस ना लें पहले तो अपनी गुजारिश करते थे कि इस चीज़ का नोटिस लें लेकिन अब सूरत आल उससे मुख्तलफ है ये बताइए तो मतलब क्योंकि अब जो फेडरल कैबिनेट के जो इजलास होते हैं ना उसमें कल नजीम अफजल चंद साहब बैठे हुए थे हाँ। उन्होंने शहजा अकबर साहब चाहिए इनसाइड स्टोरी आपको बता रहा हूँ चले कैमरे पर सुनने वालों को भी पता चल जाए उन्होंने इस बारे में सवाल किया बायदा कि भाई ये जो आपने चीनी के खिलाफ जो कमीशन बनाया जो इंक्वायरी हुई इसका नतीजा क्या निकला जब एक आम आदमी तक चीनी पहुँची नहीं ये कीमतें अगर आप कंट्रोल कर ही नहीं सकें तो इसका मतलब तो ये आपने या तो साफ इंक्वायरी नहीं की है इसकी या फिर जो आप वजीर आजम को जो चीजें ब्रीफ करते हैं वो ठीक नहीं बताते आप उनको जो अंधेरे में रखते हैं या तो ये बात है तो कोई खातिर खा जवाब उन्होंने नहीं दिया ये सारे मामला तो अंदर डिस्कस हो रहे हैं तो ये बात जो हम कर रहे हैं वो अंदर भी यही बात की जा रही है लेकिन उसका नतीजा क्या है सिफर देखें कोशिश तो जारी है ना जिस तरह हम हम देखें कोशिश कर सकते हैं और हमारे वजीर वज़र मुसलसल कोशिश कर रहे हैं उनको देखें उलझाया भी जा रहा है चीज़ों को डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है मुल्क की मफाद दात किसने स्टेप पे लगाए जा रहे हैं किस तरीके से मामला मुल्क की तौर पर ख़राब किए जाने की कोशिश की जा रही है देखिए हम इस वक्त बहुत सारे महाज़ों पे काम कर रहे हैं हमें महंगाई पे भी काम करना है हमारा हमारा ये नहीं कि हम इससे बरी जमा हो जाएंगे या इमरान खान साहब इसको इसको नहीं देखेंगे उनके लिए सबसे पहले एक आम आदमी है कॉमन मैन है ठीक है इसके ऊपर कॉन्ट्रोडिक्शन है देखें ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हुकूमत बहुत सारे महाज़ों पे काम कर रही है ठीक है अंदरूनी मामला हैं बैरूनी मामला हैं सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर काम करने हैं लेकिन अब हुकूमत की तरजीहत में जो चीज़ सबसे पहले और सर फहरस्त नजर आ रही है वो तो ये कि करप्शन के अगेंस्ट जो आपके ड्राइव जारी है आ, उसके ऊपर काम करना और अपोजिशन को दबाना आम आदमी ये सवाल करता है कि सबसे पहला उसका मसला और आखिरी मसला उसका महंगाई है कीमतों को कंट्रोल करना है साफ पानी है सेहत है ये वो मसाइल है जिसके ऊपर अभी तक कोई तरजीहत नज़र नहीं आती सुबह से ले शाम तक जो बातें हो रही हैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है लेकिन ये हो रहा है आपके चंद एक वज़रा बल्कि एक टीम है जो मीडिया के सामने आती है सुबह नौ बजे से रात बारह बजे तक हर एक घंटे के वक्फ़े से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सिर्फ काम ये होता है कि वो अपोजिशन के ऊपर तनकीद करते हैं और उनकी माजी की कहानियाँ बैठ कर दोहराते हैं कि उन्होंने माजी में एक करप्शन की जिसकी वजह से हाल आज हमारा ये हो रहा है इसके अलावा और हो क्या रहा है देखने वाले जानना चाहते हैं कि इसके अलावा और क्या हो रहा है सिंध के अंदर देखें सूरत हाल मुख्तफ नहीं है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है क्यादत के अंदर अपने मसाइल हैं लोग एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर बयान दे रहे हैं और जो कुछ हो रहा है आपके सामने मजीद इसके ऊपर बात नहीं करता लेकिन क्या आपके ख्याल में ऐसा नहीं हो रहा नहीं देखें मेरे बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा ही हो रहा है और अपोजिशन ले लें क्या हम जिस तरीके से अपोजिशन आके इल्जाम लगाती है तो फिर जाहिर सी बात है हमें उसको काउंटर भी करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें हमें अपना दिफा करना पड़ता है क्योंकि जो बात वो कर रहे होते हैं वो इतना शदीद किस्म का झूठ बोल रहे होते हैं कि मतलब वो झूठ भी बंदे को हज़म नहीं हो बंदे को सबको पता है कि यार ये किस मुंह पे खड़े होकर जो है ना वो जिसे कहते हैं ना एक मिसाल देते हैं कि जूतो समीत आंखों में घुस जाना इतना झूठ बोलते हैं इतना झूठ बोलते हैं अच्छा हमारे हमारे जो गुजरे हैं या हमारी जो टीम है वो आके इसलिए दिफा करती है कि जिस तरीके के ये लोग बयान देते हैं जिस तरीके से ये हमले करते हैं हुकूमत की कारदगी के ऊपर या चीज़ों के ऊपर तो मुझे ये बताएं कि अगर हम हम कसूरवार हैं ठीक है हमने बोला हम दो साल में चीज़ों को रिफॉर्म्स नहीं ला सके नहीं। हम महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सके हम पुलिस में रिफॉर्म नहीं ला सके हम बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स नहीं ला सके ठीक है मुझे ये बताएं कि ये जो सत्तर साल से जो इतना गंद इन्होंने लेके बिखेर दिया है चीजों को खराब कर दिया है और हम कुछ करने भी जाते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो शुरू हो जाते हैं अब जैसे कि आपने एक बात बोली कि इमरान खान साहब जिस चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हैं या जिस चीज़ को नोटिस लेते हैं वो चीज़ महंगी क्यों हो जाती है तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि इमरान खान जिस चीज़ पर नोटिस लेते हैं उस चीज़ को महंगा करके यानी इमरान खान जिस चीज़ पर बात कर रहा है वही चीज़ माफिया जो है वो नीचे से मामला खराब करने की कोशिश करता है ताकि जितना भी जितना हो सके इमरान खान साहब को जो है वो डिफेंड किया जाए अवाम की तरफ़ से उनकी जो पज़ीराई है या अवाम की तरफ से उनकी हिमायत है वो ख़त्म की जाए

होती है वो तमाम चीज़ों को हेड करा होता है वो जिसकी चाहे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है मैं इस बात से इफाक़ करता हूँ कि जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है इसमें इसमें बहुत सारे और लोगों का किरदार भी है ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी जिम्मेदारी इमरान खान या वज़ी अजम के ऊपर आयद होती है सूबाई हुकूमतों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करे देखिए मैं ये बात बताने का फौजिया मकसद ये है कि देखिए जो कुछ अपोजिशन आके इल्ज़ाम लगाते हैं आपके ऊपर या जो करदार कुशी करते हैं वो सब आवाम उससे बखूबी वाकिफ हैं कि कौन क्या करता रहा है और क्या कर रहा है बहरहाल अभी इसके ऊपर एक गुफ्तगु हमने मजीद करनी है और भी कुछ बातें जो होंगी एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसके ऊपर मजीद गुतु करेंगे आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची प्रग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले कुछ गुफगू हो रही थी सियासी मामलों के ऊपर महंगाई के हवाले से बात हो रही थी है। कैसे काबू में लाई जाए और बार बार अपने प्रोग्राम में यही बात दोहराते हैं कि एक आम आदमी का जो मसला है वो रोज़ अव्वल से यही है कि महंगाई को कैसे काबू किया जाएगा उसको किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप किन को हायर कर रहे हैं किन को फायर कर रहे हैं कौन छुट्टी पर चला जाए इससे कोई अर्ज़ नहीं उसके मसाइल आज भी अपनी जगह मौजूद हैं और वो ये जानना चाहता है कि इसको हल करने के लिए क्या वफाकी हुकूमत को दिलचस्पी रखती है सूबाई हुकूमत है कि हद तक दिलचस्पी इस पर रखती है या बात करती हैं क्योंकि जो कुछ होता आ हो रहा है वो सबके सामने है सुबह नौ बजे से लेकर बारह बजे तक जो है वो हर एक घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा और बाकी जो कुछ है वो भी अब हम के सामने है तो इसको कौन ठीक करेगा ये एक सवाल और एक आम आदमी सिर्फ यही इस वक्त सवाल कर रहा है कि उसका मसला जो है वो आज भी यही है कि उसको पहले तो दो वक्त की रोटी की बात करता था अब एक वक्त की रोटी की बात कर रहा है कि उसको कैसे मिलेगी उसको यही उसका मसला है फौजिया सदीकी सर माया तशी फरमाए पाकिस्तान तरीक इसाब से आपका ताल्लु है और उनसे हम ये गुतगू कर रहे थे अब ये बताइएगा कि महंगाई के हवाले से जैसे मैं बार बार दोहराता हूँ कि सवाल एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा पाकिस्तान के अंदर कि जो एक बुनियादी मसले हैं यहाँ तो सिर्फ एक साफ़ पानी का मसला आज तक जो है वो हल नहीं हो सका तो बाकी जो बातें हैं बड़ी आवाम को भी आप पता है यकीन हो चुका है जैसे भी आपने कहा कि अपोज़िशन वाले इल्जाम लगाते हैं आप यकीन कीजिए कि सुबह से ले शाम तक मुँह भरप के बुरा भला कहने दें बुराइयाँ करने दें आवाम को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता कि आप उन्हें क्या कहते हैं वो आपको क्या कहते हैं उनको कतई कोई दिलचस्पी नहीं है अगर आप यकीन करें कि अगर आपको पता चल जाए कि अवाम क्या राय रखते हैं दोनों के बारे में तो आप ये बातें करने ही छोड़ दें तो दिफ़ा करने के हवाले से तो हम नहीं कहते दिफा करना आपका हक़ है लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मसाइल के ऊपर तोज्जो दी जाए और इनको करने दें कि जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं मीडिया के ऊपर टाइम ख़रीदते हैं बात करते हैं जो भी करते हैं करने दीजिए उनका इसक है आप अपना काम कीजिए और आपका काम जब अच्छा हो जाएगा चीज़ें ख़ुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी तो फिर मेरे ख्याल में किसी भी जवाब की ज़रूरत नहीं है आपका काम ही आपका जवाब होगा क्या कहेंगे देखिये अगर सिंधुकूमत के हवाले से बात करूं तो सबसे तो सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूंगी कि जो कमिश्नर कराची हमारे तैनात किए गए थे जी जी आ जी आ मतलब जी जी तो, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका प्रोमोशन हो गया है ऊपर वो तो चले गए पहले उनसे तो ये पूछा जाए कि जिस तरीके से रमजान में कीमतें बढ़ाई गई किस तरीके से होशरबा जो है कीमतें बढ़ाई गई ये किसका काम था ये कमिश्नर का काम था आपने अपना काम किया नहीं है आप आ, सारी हुकूमत पे बात नहीं डाल सकते पहली बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि अख्तियार हमें दे दो अठारहवीं तरवीम का रोना रोना शुरू कर देते हैं आ, सूबे पे कब्जे की बात करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद वो जो आपको पता है वो जो तासुबी जो उनके मामला होते हैं कि आ, अगर सिंध के ऊपर जो है वो अगर वफाक ने इंटरफेयर किया या कुछ भी किया तो ये एक जंग शुरू हो जाएगी बकायदा इस तरह के जी, जी। जूम मायने थ्रेट थ्रेटिंग जो है वो हुकूमत को दी जाती है आप दे दें ना फिर हुकूमत को यानी हुकूमत को सारी जिम्मेदारी दे दें और फिर आप हमसे जो है वो पकड़ लें हमें अगर हम काम ना करें या हम डिलीवर नहीं कर सकें प्राइस कंट्रोल ना कर सकें आप देखें गोश की कीमत में किस तरह इजाफा हुआ किसका काम था कमिश्नर कराची का जो, उसके अलावा फिर आप ये देखें दूध की कीमत में दूध तो एक आपको छोटे से बच्चे को भी दूध को देना पड़ेगा ना तो अब ये तो वो चीज़ें हैं जो बुनियादी ज़रूरतें आटा चावल चीनी ये कैसे चीजें महंगी होनी कमिश्नर ने कोई कंट्रोल ही नहीं किया एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है अट्ठारवीं तरवीम का रोना रो के जो है वो

वो सब इन्होंने गायब कर दिया वो कहाँ चली गई गंदुम आप खुद सोचे ना माफिया सारा बैठा हुआ है ये इन्हीं के अपने अंदर बैठे में, ये कमिश्नर जो आज इनको प्रमोशन दे दी गई है तो किस चीज के ऊपर दी गई है मतलब यानी कि आपने आवाम अवा, के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया और आपको जो है इस खुशी के तौर पर जो है ना आपको प्रमोशन दे दी गई कि चले जी आप आप तो आ गए कमीशन जो है वो हमारे लिए आपको दो हमारे पास कमीशन जो है वो आप इतने इंक्रीज कर रहे हैं हर चीज के ऊपर हमें कमीशन मिल रहा है और आपको तो पता है किस किस तरह का हर इधारे को तबाह कर दिया आप देखें कि इनका एक जलसा होता है कितनी जल्दी रोड बन, इस... बन जाती है और आप ये देखें कि सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम नहीं है और आप फिर रोना रोते हो कि हम हमारा कसूर है यानी कि आप बारह साल तक तेरह साल तक आपके पास है कि अगर उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते तो इस सवाल में उनसे जरूर करता कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब कोई एक सड़क तो अब तो खैर शहर कराची में सड़कें नहीं बनती जो गढ़े जो बना है, दिया लड़काना बना दिया इन्होंने हमारे कराची शहर को जो इतना डेवलप्ड हमारा सिटी था पुराने उठा पचास साल पहले भी उठा के देखें तो इसका मिसाल नहीं मिलती थी और आज इसको इन्होंने वो लड़काना वो थर बना के रख दिया कराची शहर को किसकी सड़कें टूटी नहीं है अस्पतालों में कोई निज़ाम नहीं है कोई मेडिसिन नहीं मिलती है इन इतना इस वक्त लोग परेशान हैं तो ये किसकी ना ली है ये सिंध हुकूमत की ना ली है ना हम आप जो बात कर रहे हैं कि हम बार 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 जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं

वो एक बहुत बड़े रहनुमा के जो है वो रिश्ते में समरी लगते थे उनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया और फिर जिस तरह मीषत चलाई गई वो भी सबके सामने रहा और उसके बाद फिर जो कुछ होता रहा उसके बाद जो हुकूमतें जिस तरह चलाई गई वो भी सबने देखा तो ये सारा सिलसिला होता रहा लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये पाकिस्तान इंसाफ की हुकूमत आई तो ये बड़ी बातें की गई कि जो मीशत को अब सही तरह से चलाया जाएगा हमारे पास एक टीम मौजूद है लोग हैं इस तरह के अजहान हैं जिन मामला को समझते भी हैं हल भी कर सकते हैं लेकिन नतीजा बिल्कुल वैसा ही रहा जैसे पिछली हुकूमतों में रहा अच्छा ये बात मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूँ कि महंगाई कोई आज का मसला नहीं है नहीं। किसी भी दौर आप उठाकर देख लें पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आईं महंगाई बढ़ने का जो सिलसिला था उसमें ना किसी किस्म की कोई कमी हुई ना उसको कोई फुल स्टॉप लगा वो इसी तरह चलता रहा तो ये कोई नई बात नहीं है सवाल करने का मकसद ये है कि इस दफ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़्वाब दिखाए गए थे ख्वाब भी दिखाए गए थे और उनकी ताबीरें भी दिखाई गई थी लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है ऐसा क्यों है ये सवाल आपसे देखिए इन शी जैसे कि ख्वाब हमने देखे हैं और हमने ये देखा है कि इन शाह पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट बनेगा ऐसी रियासत बनेगा इन के जिसके अंदर आवाम को उसके हकूक़ भी मिलेंगे और महंगाई भी इन शाला कंट्रोल होगी लेकिन कहने का मकसद ये कि सबसे पहले तो मैं सूबों की बात करूंगी सूबे अगर, अगर अपने काम नहीं करेंगे और इख्तियार देखें अगर एक प्रिंसिपल अगर काम सही नहीं कर रहा अब मैं किसी स्कूल की बात करती हूँ किसी हुँ। आ, कोई प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा तो उसके नीचे टीचर्स कैसे काम करेंगे उसके नीचे का एक प्यून भी जो है ना वो भी करप्ट हो जाएगा ना तो अगर आप चीजें कह रहे हैं कि सिस्टम ऊपर से ही ठीक होगा तो हमारा ऊपर का जो वजीर आजम है वो करप्ट नहीं है अब आप जलसे में भी देख लें इनके जलसे में भी उठा के देख लें कि इन्होंने सारी जो इल्जाम लगाए वो इमरान खान साहब के साथियों के ऊपर लगा इमरान खान साहब के ऊपर तो करप्शन का इल्जाम ये नहीं लगा लगा सकते ना ये लगा लगा पाते हैं और ना ये कभी साबित कर पाए कि इमरान खान साहब करप्ट हैं कोशिश ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि नीचे का सिस्टम ठीक हो करप्शन खत्म हो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ब्लैक मनी को वाइट और फिर जो करप्शन जो की जाती है इदारों में जो करप्शन है सिस्टम में जो करप्शन है एक छोटे से प्यून भी जो है वो भी करप्ट है और वो जितनी कोशिश होती है वो उतने पैसे बनाते हैं इसी तरीके से तो चीज़ें महंगी होंगी ना जब ऊपर से एक चीज़ का रेट आ रहा है नीचे आते 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 वो चीज़ आप सब्जी मंडी पर चले जाए सब्जी मंडी से आप जो खरीदारी करके आएंगे आप या मार्केट में वो खरीदारी करें आप जमीन आसमान का फर्क होता है ना तो आ, कमीशन हर जगह पे कमीशन ब्लैक मनी आपको नजर आएगी तो ये हर चीज़ इमरान खान साहब काम कर रहे हैं इनशाला रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे आप बहुत जल्द इनशाला जनवरी तक आप देखेंगे कि मामला कितने ज्यादा स्टेबल होंगे इनशाला और महंगाई का जो जो जिन है उसको जैसे गंदम आटा चावल चीनी के ऊपर जो प्राइस कंट्रोल की बात होगी इनशाला उसको जो है इमरान खान साहब जिस तरह डायरेक्ट इन्फ्लुस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सूबे जो काम नहीं कर रहे हैं वो इमरान खान साहब किसी तरह से सारे मामला अच्छा, वैसे तो बड़ी अच्छी बात है एम्बिशियस होना ऑप्टोमिस्टिक होना बड़ी अच्छी बात है आप ठीक है आप कह रही है कि जनवरी तक लेकिन होता यहाँ पर उमूमन ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बयान देता है ना कोई भी सियासी शख्स तो उसको हाईलाइट करके लगा दिया जाता है हम लोग तो बड़े आपको पता है कि तेज लोग होते हैं हम लोग इसको नोट करके रख लेते हैं प्रोग्राम की तारीख को और वक्त को और वो सेगमेंट पूरा रिकॉर्ड करके जी ख़बरों में चलाते हैं कि जी आज फ़लाना तारीख को मोहतरमा सिद्दीकी साहब ने कहा था कि जनवरी तक जो है वो मामला ठीक हो जाएंगे और फिर तो जैसे ही जनवरी आएगा रोज़ाना इसको चलाएँगे ठीक है तो अब होता ही है लेकिन ऐसा करने नहीं वाले मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ उसकी वजह यह कि कोई भी हुकूमत में बैठा हुआ शख्स आप चाहे सिंध हुकूत को वफाकी हुकूमत अगर आप उससे किसी मसले के हल के लिए जाएंगे ना अगर आप उससे सवाल करेंगे कि मसला कब तक हल हो जाएगा तो वो कुछ भी करेगा आपको तारीख कभी नहीं देगा तो पहले तो एक चीज ये सीख लेनी है या महीना कभी भी कोई या, वो ना देखिए महीना इसलिए बता रहे हैं कि चीजों को कंट्रोल जो ऐसा आप समझती हैं मैं समझ रही है की हो जाएगा और जो मेरी इंफॉर्मेशन के के मुताबिक जो बातें चल रही हैं जो मैं रे हूँ

और बढ़ी हुई कीमतें जो है वो वापस भी आएँ अपनी सतह के ऊपर वापस आएँ और मामलात भी ठीक हो और ये जो इल्ज़ाम का जो सिलसिला है ये भी किसी हद तक जो है वो कम होना चाहिए क्योंकि लोग इससे बहुत ज़्यादा उकताना तो नहीं इससे बेजार आ गए हैं इससे तंग आ गए हैं कि सुबह से लेके शाम तक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं गैर ज़रूरी बातों के ऊपर और आवामी मसाइल की मैं जैसे कहता हूँ कि अगर कोई बात नहीं होगी तो वो चाहे कितनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होती तो अल्लाह करे कि अवाम के मसाइल के लिए भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो और उसके ऊपर भी अब बात करें लास्टली जी आ, कुछ और भी चीज़ें जिसके ऊपर बात करनी है वक्त क्योंकि हमारे पास अब महदूद है लेकिन ये जो अंदरूनी मामला हैं इसके हवाले से भी कुछ बात होनी चाहिए ख़ास पर जो तनजीम साजी का एक इशू रहता है बड़ा मुश्किल होता है किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए कि यहाँ बैठकर वो मीडिया के सामने कोई बात करे लेकिन ये मामला सही चल रहे हैं की बात कर कुछ होता है कि किसको फलाना जो है वो लग जाए आप लोगों वो गरीब को पकड़ा है किसी का निजी जाती मामला मैं मैं इसको डिस्कस नहीं करता मैं इसको बहुत ही ज्यादा वो समझता हूँ लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि ये जो यहाँ पर्सन के अंदर जो मामला जारी है इसके हवाले से क्या कहेंगे मामला

Uh, जो सेट्री जनरल ऑफ़ पाकिस्तान जो है आमिर कियानी साहब जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं अच्छा और... एक ये ब्रेकिंग न्यूज़ अभी एक मिली है ये जो हमारे पास भी चल रहा है कि ये कराची में मस्कन चौरंगी के पास जो है वो किसी इमारत के अंदर धमाके की अभी इतला मिली है और धमाके के हवाले से ये बताया जा रहा है कि पाँच अफराद अभी इसमें ज़ख्मी हुए हैं इमारत के अंदर ये बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है और धमाके से इमारत का जो एक हिस्सा है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो मुनहदिम हो गया है इन्फॉमेसन इसके हवाले से हम तक पहुँच रही है अभी ये बताया जा रहा है कि इस वक्त की ये जो आम खबर है सुबह का वक्त है कराची का इलाका है और ये गुलशन इकबाल में मस्किन चौरंगी है उसके पास ये कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर कोई निजी रिहायशी इमारत नजर आ रही है जिसके अंदर जो है ये इतला मिली है कि जो ब्लास्ट हुआ है अभी किस नोयत का धमाका है लेकिन कुछ अभी तो इनिशियल जो इन्फॉमेशन आई है उसमें तकरीबन पाँच लोगों के ज़ख़्मी होने के इतला जो वो मिल रही है मस्कन चौरंगी जो कराची के एक बड़ी मसरूफ़ एक तरीन जगह है एक शारा एक आप समझ लीजिए एक चौरंगी मस्कन चौरंगी कहलाती है वहाँ पर यह इंफॉर्मेशन अभी मिली है कि ये जो है वो अभी कोई रिहायशी महारत है तो ये जी इन्फॉर्मेशन अभी जैसी मज़ीद हमें और मिलती है अभी अपने नुमाइंदे से सवाली से बात करते हैं कि इसकी मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आप तक भी लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक है इस वक्त जो अभी मिली है और आपके साथ शेयर कराए जी जनाब लास्टली क्या कहना चाहेंगी आ, जो तंजीम साजी की बात आप कर रहे हैं जिस पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और एम पी एम एन एस की जहाँ तक बात है देखें इन्फ्लुएंस तो नहीं है हाँ ये है कि जो काबिलियत है जो आ, हम समझते हैं जैसे हमारे प्रेसिडेंट कराची जो हैं वो एमपीए भी हैं और वो आज के एमपीए नहीं हैं वो 2013 में भी एमपीए थे और उसके बाद वो अभी दोबारा से एमपीए बने हैं लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ कराची भी हैं बात है तो है, वो डिलीवर कर रहे हैं, तो भी है, कर रहे हैं तरीके से। चले ठीक है चलो फौजिया, थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए जाना है ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारा सिलसिला जारी रहेगा आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची करेंगे आपकी सेहत के हवाले से yeah. और आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी इसमें जारी रहेगा सबसे पहले तो खुशहाल मिलता हूँ डॉक्टर सलमान शदीक को आ, हमारे स्केज गेस्ट हैं होमियो डॉक्टर हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं रिलीजियस स्कॉलर हैं और चेयरमैन हैं बी एच डी ओ ब्लू बर्ड होम्यो डॉक्टर्स और ऑर्गेइजेशन के और उनको हम यहाँ सबसे पहले खुश हैं बहुत शुक्रिया आपका सलमान आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और आज बात करेंगे से आपकी सेहत के हवाले से बहुत सारे सवाल आपके मौसू हुए थे तो कोशिश यही होती कि आपके सवालों के जवाब भी दें पिछली दफ़ा हमने कुछ दिल के अमराज के हवाले से बड़ी तफसील गुतु की थी कैंसर के ऊपर हमने जो पिछले प्रोग्राम किए थे उसके ऊपर बहुत सवाल मौसू हुए थे तो अभी इसके ऊपर हमने गुफगू करनी है एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है एक छोटी सी कमर्शल ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं गुतगु जारी रखेंगे आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको शामदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले जी प्रोग्राम का आ, हमारे दूसरे सेगमेंट का जो है आगाज़ हो चुका था डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पे तशीफ़ फरमाएँ आपकी बीमारियों के हवाले से आज उनसे गुफगू हो कि आपके सवालत को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा तो डॉक्टर सलमान की तरफ चलेंगे डॉक्टर सलमान ये बताइए कि आज पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा टॉपिक के हवाले से बात हो जाए के आज का टॉपिक जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से डिप्रेशन के हवाले से एक दो तो बड़े कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं पहले इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़े से इंट्रोडक्शन हो जाए फिर हम अपनी गुफ्तू को आगे बढ़ाते हैं जी बिस्मिल या सिर एक बार मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका और आपके चैनल के ट्वेंटी का और खुशी इस बात की होती है कि आप लोग होम्योपैथिक की प्रमोशन करते हैं होम्योपैथिक के लिए आप हमें मकस करते हो हमें बुलाते हो और होम्योपैथिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वामेंट फ्राहम करने का मौका देते हो मालूम फ्राहम करने का मौका देते हो इसके लिए मैं फिर एक बार के ट्वेंटी वन का और यासिर आपका बहुत शुक्रिया आपकी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा आज का मौजू बड़ा अहम है अगर सुना जाए तो एक बड़ा नॉर्मल सा मौजू है कि जी जहनी दबाव डिप्रेशन स्ट्रेस प्रेशर ब्लड प्रेशर कॉमन है ये बिल्कुल हुँ, आपको हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा इस तरह की बातें सुनता और कहता नज़र आएगा बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा और मिलेगा बात ये है कि ये होता क्यों है इसके होने की वजूहत क्या है और ऐसा क्या हर बंदे के अंदर ये सकत होती है कि वो इस चीज़ को अपने ऊपर ले ले या अपने ऊपर इस चीज़ को महसूस करे और वो बीमार हो जाए देखिए होम्योपैथिक तरीके इलाज में या सिर मैं आपको इससे पहले भी कई प्रोग्रामों में मैं बता चुका हूँ कि दिमाग से बहुत बड़ा और बहुत गहरा ताल्लुक होम्योपैथिक का है जी। और हम ये कहते हैं कि कुत हयात यानी आपकी वाइटल फोर्स अगर कमज़ोर है या किसी वजह से उसमें कोई खलल पैदा हो रहा है और वो फाइट नहीं कर सकती बीमारियों के ख़िलाफ़ तो उससे क्या होता है कि बीमारी जिसम पर हमलावर हो जाती है।, है आपका दिमाग ही आपके सारे मैनेजमेंट को देख रहा होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गई ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट हो गई शुगर मैनेजमेंट हो गई या अंदरूनी यानी डाइजेस्टिव मैनेजमेंट हो गई वो माइंड आपका कैच कर रहा होता है और उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा होता है ठीक है यहाँ पे जिस माशरे में हम लोग जी रहे और जिन हालात में हम लोग जी रहे हैं यहाँ पे हर दूसरा बंदा यहाँ तक कि हम तो बड़ों की बात नहीं करते हम बच्चों की बात करते हैं छोटे से बच्चे को ले लीजिए उसके बस्ते का वजन ले लीजिए उसके पढ़ाई का बोझ ले लीजिए और मतलब आप जब उस बच्चे का होमवर्क देखे हैं, तो होमवर्क में तीन तीन चार चार और आठ आठ पेज का काम वो बच्चा पढ़ाई से भागता है उसे लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई जुल्म हो रहा है या मुझ पर ज्यादा हो रही है वहीं से समझ लीजिए कि स्ट्रेस और वहीं से जहनी दबाव का वो मरीज

सेहतमंद पाकिस्तानी नहीं बन सकता ठीक है। बड़ा होने के बाद एक बेहतरीन अपना मुस्तबिल नहीं बना सकता <laughs> वो जहनी दबाव का शिकार हो जाता है अब जब वो मैट्रिक करता है और मैट्रिक के बाद उसको ये प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि जी अब तुम्हें नौकरी करनी है अब तुम्हें जॉब करनी है अब तुम्हें घर गर गृहस्थी चलाना है वो बच्चा जिसने अभी खेलना कूदना और अपनी जो है एक्टिविटी को करना होता है वो क्या होता है कैद हो जाता है नौकरी की तरफ उसका ध्यान जाता है या बिजनेस की तरफ ध्यान जाता है आगे जब <laughs> hmm. आगे जब चलते हैं मसना hmm. तो आप देखते हैं कि जी नौकरी में नौकरी नहीं मिल रही बीएससी hmm. कर लिया एमएससी कर लिया एमएससी ऑनर कर लिया और क्या होता है कि हम कहाँ घूम रहे हैं डिग्रियाँ लेकर है। उससे अच्छा तो वो पकोड़े और समोसे वाला चल रहा होता है hmm. कि जो रोज़ की दिहाड़ी करके चला जाता है और आप रोज़ाना डिग्री लेकर hmm. किराया खर्च करके और सबकी hmm. सुनने के बाद जब वो बंदा इतना पढ़ने के बावजूद हासिल कुछ नहीं करता है, तो वो कहता है मेरे माँ बाप ने इतना जो मेरे ऊपर लगाया लगाया मैंने इतना पढ़ा मैंने अपनी जिंदगी खपाई तीस अच्छे साल मैंने गुजारे, तो मुझे क्या मिला? एक जहनी तनाव और दबाव का शदीद शिकार हो जाता है और जहनी अजियतों में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करता है फिर एक और मसला होता है जब वो एक एज पे आ जाता है तो वो शादी अब शादी के बाद आसान लगता है जी कि शादी बड़ा आसान हो गया लेकिन एक आम फर्द को आठ हजार रुपये मैक्ममम शादी करने के बाद उस पर प्लान्टी पड़ जाती है प्लस हो जाता है ऐसा ही ठीक है।, है अब वो अगर, अगर बंदा तीस हजार रुपये से पच्चीस हजार से तीस हजार के लगभग चल रहे है, तो आप मुझे बताइए कि वो आठ हजार की पलेंटी को कहां से पूरा करेगा जबकि वो एक शादी सी नौकरी कर रहे हैं एमएससी और बीएससी करने के बाद बिल्कुल ठीक है तो वो वहां पे आकर तबाही का दाना उसका शुरू हो जाता है कि उसकी सख्त खत्म हो जाती है और वो इस टेस्ट लेना शुरू करता है सोचना शुरू करता है और mm. जब सोच आपके दिमाग में आना शुरू होती है तो फिर ये बस बसों को जगह देती है और आप वो भी सोचना शुरू कर देते हो जो नहीं होने वाला होता और वही सोच रहे होते जो नहीं होने वाला होता Bailku, और हमारी सोच का दार मदार ये है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा बुरा होना है तो हमारे साथ वही बुरा होता है ठीक है बिल्कुल ठीक है हम जब तक अपने आप को और अपने माइंड को और अपने आप को साफ सुथरा और पाकिज़ा नहीं रखेंगे दिमाग से फजूलियात को नहीं निकालेंगे नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलेंगे हम माशरे का ना तो अच्छा हिस्सा बन सकते हैं ना हम माशरे में अच्छा फ़र्द बन सकते हैं और ना हम किसी को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं है। अल्लाह कुरान करीम में बड़ी प्यारी बात करते हैं जी जी इन माल उस राल उस रयुसरा बेशक के परेशानी के बाद आसानियाँ हैं और परेशानी के बाद है तो परेशानी तो ये तो आनी है ठीक है लेकिन अल्लाह ने इसके लिए आसानी कॉलर को शामिल करता है फिर गुतगु जारी रखेंगे जी असल जी कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं तर, मैं अच्छा मैं आवाज सही से सुन नहीं पाया आपकी आप दोबारा से बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं जी जी फरमाइए ठीक है। अभी आपको जवाब देते हैं है मेरे भाई। आपने से हमें की। जी, मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है, है वो कह रहे हैं मौसम ने लिए अंग्राई बिल्कुल <laughs> तो अभी मौसम की अंगड़ाई चल रही है यानी टर्न ले है मौसम और इसमें बहुत ड्राईनेस हुई हुई है माहौल के अंदर खुश्की बहुत ज्यादा है और ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरी है पानी का इस्तेमाल कि जितना ज़्यादा आप आ, पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ड्राइनेस कम रहेगी और हाथों पे और पैरों पे पेट्रोलियम जाली हो गई या ऑयल का इस्तेमाल करें जिससे आपके हाथों पाउंट रहो है वो नहीं हो इन्होंने बात की नजलें की कि, कि जो इनकी नाक से भी बह रहा है और आँखों से पानी के आने की शिकायत उन्होंने की है तो मैं थोड़ा सा इनको बता दूं कि इसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक में हमारे पास मेडिसिन मौजूद है Uh, काली बाइक के नाम से right. काली बाइक 200 में आप इनको uh, जो है आपने यूज़ करने hmm. काली बाइक के बाद जो दूसरी दवा है वो हमारे पास मौजूद है uh, जो है यूफ्रेशिया hmm. ये दोनों दवाएं अल्टरनेट हाफ ऑफ आवर्स पे आपने जो है uh, इस्तेमाल करनी है uh, टेंट एंड ड्रॉप्स ले लेने hmm. नाश्ते hmm. बाद खाने बाद रात खाने बाद अल्लाह करीम ने चाहा तो नज़ला जो बहरा है वो भी बंद हो जाएगा रेशा hmm. भी सही हो जाएगा और आपको अल्लाह करीम शिफा दे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और साथ साथ जो हमारी एक कमाल चीज़ तोानाई के लिए जो आपके वाइल्टर फोर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है इस्पेशली रैक्सरूबिया आप इसका इस्तेमाल करें और इससे भी सेहत पाएंगे इन शाला इन तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा इन अद्वियात का इस्तेमाल आप करके देखें और अगर ये अवेलेबल ना हो लाहौर में अवेलेबल है ये ये पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है लैनिंग फ़्रांस लेबॉर्टरीज की मेडिसन है ठीक है और ये पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको आ, जो है ये मिल सकती है और आप बहुत आसानी से इसको खरीद सकते हैं और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एक मकमल गज़ा और एक मकम्मल और एक जो है पायदार दवाई है ठीक है चलिए इसका इस्तेमाल कीजिए और फिर आप हमें बताइए कि इसका क्या रिज़ल्ट रहता है फीडबैक ज़रूर दिया करें प्रोग्राम के अंदर कॉल करके और इसी तरह आप कॉल कर सकते हैं पाकिस्तान में कहीं पे भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव कॉल के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने मसाइल के हवाले से बात कर सकते हैं आज हम खास तौर पर गुफगू कर रहे हैं स्ट्रेस के हवाले से ये जो तनाव है जो जहनी दबाव है इसका शिकार बहुत सारे लोग हैं ज़हनी तनाव की वजह से बहुत सारी बीमारियों का लोग शिकार हो रहे हैं जिसका इतराक अभी तक नहीं हो पा रहा ब्लड प्रेशर शुगर और इस तरह की दीगर अमराज में मुबतला है और वजह यही बताई जाती है कि जैसे भी आपने निशानदेही की क्योंकि बचपन से ही एक स्ट्रेस में रहने की आदत इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब कम उम्र में उसके ऊपर इतना तनाव होता है तो वो जवानी से लेकर फिर जब शादी हो जाए और उसके बाद तक ये सिलसिला कभी नहीं रुकता तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए कैसे इसको काबू किया जाए इसको कैसे मैनेज किया जाए सवाल एक बड़ा अहम ये है ये ज़रा फरमाइए इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो वालदे हैं बच्चों के उनका बहुत बड़ा एक किरदार है कि वो इस चीज़ को जो है क्योर करें कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा वतव दें ठीक है कि बच्चा एक तो स्कूल पढ़कर आ रहा है तो आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर मज़दीद जो है बोझ आप उस पर डालते हैं ट्यूशन का तो फिर वो बच्चा ट्यूशन जाता है ट्यूशन जाके तो वो दो घंटे पढ़ेगा छः घंटे स्कूल पढ़कर आएगा आठ घंटे में उसका दिमाग बेल्ट हो चुका होता है कि अब फिर आप चाहें कि वो बच्चा दो घंटे खेले भी ना फिर वो कुरान मजीद पढ़ना शुरू करे फिर उसके बाद वो तब भी उस वक्त तक क्या होता है शाम हो जाती है और फिर क्या हो जाए खाना खाने के बाद आपने सो जाना है लेकिन ना तो वो बच्चा सही से तालीम हासिल कर सकता है ना अब हम क्या कर रहे हैं देखें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि बीज का सही बोना सही कि अगर आपने बीज सही लगाया तो आप उससे फल भी सही पाएंगे सही। अब आप क्या कर रहे हैं कि जब आप बचपन से ही तरबियत में स्टेस उस बच्चे के भर रहे हैं दवाओं भर रहे हैं कि तुमने फर्स्ट आना है वरना अच्छी बात नहीं होगी मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा मेरे बेटे ने तो वकील बनना है मेरे बेटे ने तो एक्स वाई जेड हमारे बहुत से जो है एक हमारी थिंकिंग होती है अपने बच्चों के लिए कि कुछ ना कुछ वो तरक्की कर जाए लेकिन तरक्की हर बच्चा नहीं करता हमें है। इस चीज़ को समझना चाहिए इसी तरह बड़ों में कि हम जब ये समझते हैं कि एक बंदे पर इतना बोझ डाल दोगे तो वो वो काम कर लेगा ज़रूरी नहीं कि वो काम कर सके ठीक है अब हमारे यहाँ स्पेशली क्या है कि हम अगर अपने माशरे को चारों तरफ देखें तो दो ही चीज़ें रियासत और जमहूरियत और सियासत इस चीज़ ने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है कि हम आम बंदा बैठे हुए अगर कोई सियासी डिस्कस हो जाती है वो अपनी जान जला रहा होता है अपना खून जला रहा होता है एक दूसरे से यहाँ तक कि भाई भाई से नफरत और झगड़ा शुरू कर देता है सिर्फ सियासत के चक्कर में कि वो उसका वो उसका से कुछ नहीं होता सबसे बड़ी बात भाई भाई की मोहब्बत है अपने घर में कुछ वक्त निकालिए सब लोग मिलकर बैठे Uh, जो है आपस में एक दूसरे से बैठ के मुस्कुरा कर बात करें एक दूसरे को समझने की कोशिश करें एक दूसरे को मसले के हल करने की कोशिश करें माशरा जब भी सिमट कर एक जगह पर आएगा जब आप लोग अपने खानदान को एक जगह समेटने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से अलग नहीं ठीक रहेंगे कॉलर को शामिल करते हैं जी जी ये हो रही है, की। जी जी ठीक है बड़े भाई बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ आपके जज्बात की भी कदर करता हूँ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चंद मखसूस लोगों की वजह से सारी चंद मखसूस लोगों के लिए कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे तो ये मखसूस लोग हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी वजह से मामला में गड़बड़ है लेकिन अभी फ़िलव तो इस वक्त जो गुफ्तू हो रही है इसमें हम अपनी सेहत के हवाले से मसाइल के ऊपर जो बात कर रहे हैं ये बात आपकी ठीक है मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास सेगमेंट होता है हमारे पास पूरा वक्त हम देते हैं देखने वालों को इसके अंदर बात करें सियासी नौीय के मामलात हैं अभी कुछ सेहत के हवाले से गुतगु कर रहे हैं इसको भी समझने की ज़रूरत है खैर बहुत शुक्रिया आपने लाहौर से प्रोग्राम में कॉल की और अगर सेहत के हवाले से अगर कोई सवाल हो तो इस सेगमेंट में उसके ऊपर बात करें बाकी जो आपने बात की है बात बिल्कुल आपकी ठीक है इससे आप ये चीज़ देखें कि आप सिंपल सी बात करता हूँ आप ड्राइव कर रहे हो आप चाहे मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो आप कार ड्राइव कर रहे हो आप ट्रक चला रहे हो हु। जहन और जिसम आपका मेंटली और फिजिकली तौर पर एक तो मांग रहा होता है कि आप अब एक बंदा सामने से आपके गुजर जाए या बाइक एकदम से आपके आगे से गुजर जाए तो आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं और आ आ आपके मुँह से लाभ आला कुछ फूलियात निकल, निकल जाते हैं वहाँ से क्या होता है कि तनाव शुरू होता है आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। का बिल्कुल कि हो सकता है कि वो इतना करीब आए हो या हो सकता है कि वो इतना दूर हो या हो सकता है वो इतनी तेज़ हारन बजा के निकला हो कि आप एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हो जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा होता है जिसकी वजह से आप बहुत गुस्से में आ जाते हो और जो ये गुस्सा है बस यहाँ से आपकी तबाही शुरू होती है कि अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम उसको सादे लफ्ज़ों में गुस्सा कहते हैं उसे कंट्रोल नहीं कर बिल्कु पाते बिल्कुल ठीक है चले कॉलर को शामिल करते हैं उनसे हम बात करें अच्छा अच्छा एक मिनट है अभी कॉलर को हम अभी शामिल करेंगे ये बात आपके बिल्कुल ठीक है हम ख़ुद भी जब सुबह घर से निकलते हैं तो जो कुछ सड़कों पर हो रहा होता है वो देख रहे होते हैं और दिल जलता है देख कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग जा रहे हैं और अभी यही चीज़ नहीं समझ पा रहा है कितना इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि चलती गाड़ियों से हाथ बाहर निकाल के रैपर फेंक रहे हैं और मैं तो खैर इस बात पे पूरा मेरा कामिल यकीन है मैं तो इस बात पर बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो शख्स ये आदाब नहीं जानता कि सड़क के ऊपर कचरा फेंकना है ये नहीं फेंकना है किस जगह फेंकना है तो मैं उसको पढ़ा लिखा तो मानने से मैं तो कम अज़ कम बिल्कुल पढ़ा लिखा मानता

Uh, जो uh, जिस वक्त अभी हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर अभी रिसेंटली करोना से अभी तक हम लोग लड़ रहे हैं और अभी सुनने में आए कि दोबारा एक, एक नई लहर जो है वो करोना की आ रही है आप यकीन कीजिए कि आधे लोग वैसे ही मर जाएंगे ठीक है ये सुनने के बाद कि यार दोबारा करोना आ रहा है क्युं? कि उन लोगों ने कोरोना भुगता है कि जिनको कोरोना नहीं था।, नहीं था उन उन लोगों ने नुकसान उठाया उन लोगों ने परेशानी उठाई आज भी अभी भी हालात ऐसे हैं कि लोगों के घर पे खाने को नहीं है हालात आप मुझे बताइए आपके घर में चार अफराद हैं और आप लोग छह अफराद का खाने के लिए आपको मैक्सिमम भी एक दिन में एक हजार रुपए की जर। जरूरत है आपको मजदूरी मिल रही है सात सौ रुपये आप मुझे बताइए वो बंदा जहनी तौर पर परेशान होगा वो कोई रस्ता का रास्ता निकालेगा या नहीं निकालेगा बताइए मुझे ऐसा ही है बिल्कुल ठीक है आपने बिल्कुल दुरुस्त का कॉलर को शामिल करेंगे जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई है जी तो जी। मैं चाहूँगा गुफ्तु जारी रखे इसमें अलामत क्या सामने आती है इसमें सबसे पहली है अलग के खुशक होने की यानी ड्राइनेस शुरू हो जाती है और बंदे को बार बार पानी की जो है वो ख्वाहिश शुरू हो जाती है ठीक है दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी अलामत ये है कि वो सोना चाहता है मगर उसे नींद नहीं, नहीं, आ नहीं आ रही होती वो रात भर सुबह को घुमा रहा होता है यानी एक जो आपका शऊर है शऊर कहता है कि मुझे सुकून चाहिए लेकिन लाशऊर जो है वो जागा बहुत अब क्या हो रहा है कि जो शऊर और लाशूर की एक जंग है इसमें बंदा पिस रहा है रू पिस रही है यानी अंदरूनी तौर पे बंदा मुतमिन नहीं है बैरूनी तौर पे अगर नजर आ रहा है बिल्कुल उसी तरह जैसे नारियल का खोल ऊपर बड़ा सख्त होता है लोग समझते हैं अंदर भी बड़ा मजबूत लेकिन जब आप उसे तोड़ते हैं तो अंदर से नरम पानी और नारियल उसमें से निकलता है इसी तरह इंसान की फितरत और उसका मिजाज हो जितना भी सख्त हो जाए मगर अंदर से वो तब्दील नहीं हो सकता तो इसी तरह से जो अंदरूनी तब्दीली है जब तक कि वो लाशोरी कैफियात को hmm. हम हल नहीं करेंगे हम शौरी कैफियात को हल नहीं कर सकते यानी वॉल्ट्री और इन वॉलेंट्री वॉलेंट्री ये कि मैं और आप बात कर रहे हैं hmm. इन वॉलेंट्री हो कि मैं उठ के चला जाऊँ आप उठ के चले जाएँ और मैं कहूँ कि नहीं जी आ, मुझे नहीं बैठा जा रहा है मेरे hmm. मैं डिस्टर्ब hmm. हो रहा हूँ तो ये एक इन वॉलेंट्री मूवमेंट है यकीन मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम में डिस्टर्ब होगा तो मैं उठ के जा रहा हूँ यानी मेरा दिमाग कहीं चल रहा है बाद में कुछ और कर रहा हूँ यहाँ से आकर ये चीज़ अपनी जड़ों को मजबूत करती है और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आ, डम होना शुरू हो जाता है यानी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है क़त्यात तो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है तो उस वक्त जो हमारे होम्योपैथिक में जो दवा आपको साथ दे सकती है जिसमें आपकी नींद पूरी हो सके जिसमें आपके खाने पीने का निज़ाम बेहतर हो सके जिसमें आपकी उलझनें ख़त्म हो सकें जिसमें आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो सकें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले लाइनिंग फार्मा uh, जो uh, hmm. uh, uh, है लैनिंग लेबॉर्टरीज़ फ़्रांस की जो ये मेडिसन है एल सेवेंटी टू मैं इसको कहता हूँ कि एक एंजल uh, है Achha. एक uh, फरिश्ता है और ये एक ऐसी जो है फरिश्ता uh, ये दवा है कि आप ये समझें कि अगर इसके दिन में तीन मरतबा सुबह दोपहर और शाम बीस बीस कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पियेंगे तो आप सौ uh, परसेंट मैं कहता हूँ कि आपके जहन और जिसम सकून में भी रहेगा और जब सकून में रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली Uh, जो है वो सही भी रहेंगे और अपने आप को uh, क्योर रख भी सकेंगे और आम तौर पे मैं आम बात करता हूँ या सिर आप हो या मैं हूँ हमें ज़रूर इसकी डोज़ लेनी चाहिए कि हमारे साथ अगर ये मसला नहीं भी है नहीं। तो हमें बाई फ्यूचर uh, जो है इस मसले से बचना है तो हमें इसका इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा, पड़ेगा। तमाम मैं कहता हूँ कि जितने भी कराची में लोग हैं वो कम से कम इसकी एक डोज़ ज़रूर लिया करें और ये आपको रिलैक्स रखती है अगर आपका किसी से लड़ाई भी हो जाती है तो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मैं गलत तो नहीं हूँ लड़ते वक्त hmm, hmm, क्योंकि हम आप गली में मोहल्ले में देखें चाहे वो घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो hmm, चाहे वो घर में बच्चों की लड़ाई हो चाहे वो मोहल्ले में आपस में दोस्तों की लड़ाई हो जाए चाहे uh, गाड़ी गलत खड़ी करने पर लड़ाई हो जाए hum, चाहे गली में पानी खड़ी करने पर हमें लड़ना है जी और जब हम फैसला कर चुके होते हैं लड़ने का तो वहीं से हमारी शौरी कैफियत की बेदारी ख़त्म हो जाती है और हम एक ऐसे लाशोरी जो है माहौल में कदम रख देते हैं कि जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता और हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं और हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं मैंने आपसे पहले कहा कि होम्योपैथिक तरीके इलाज में सबसे ज़्यादा जो मामला हैं वो जहन के यानी दिमाग भी भी के अगर ये मुतासर हो रहा है तो आप उसी वक्त समझ लीजिए कि इसमें आपकी नेगेटिव सोच आना शुरू हो जाएगी मौसम की तब्दीली आपको बहुत असरअंदाज करती है, है। मौसम तब्दील होना जैसे ही शुरू होगा आप मेंटली और फिज़िकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे अगर आपको मिसाल के तौर पर सर्दियाँ पसंद नहीं है सर्दियाँ सूट नहीं करती तो आप उलझन का शिकार हो चुके होंगे नाक में ड्राइनेस होना स्किन पर ड्राईनेस होना यानी खुश्की आना आ, मैं कोशिश तो ये करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि उर्दू का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है हुँ. और जब कायद ऐसा मोहम्मद अली जिना ने इसको सरकारी ज़बान करार दिया है हुँ. तो हमें भी उर्दू को प्रमोट करना चाहिए और हुँ. वो लोग जो उर्दू को प्रमोट <coughs> नहीं करते हुँ. मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि बर मेहरबानी ये हमारी कौमी ज़बान है और इसको फ़रोग दीजिए जिस तरह अंग्रेज़ अंग्रेज़ी को फ़रोग देता है उसी तरह पाकिस्तानी को उर्दू को फ़रोग देना चाहिए उर्दू जिंदाबाद है जी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस माशरे से इस स्टेप से निकलने के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ेगा जिस माशरे में जो हमारे रहनुमा हैं वो दो सौ रुपये किलो जो है अंडे बेच सकते हैं दो सौ रुपए दर्जन टमाटर बेच सकते हैं वो कुछ भी बेच सकते हैं ठीक है। उस में, उस में, उस, उन हालात में एक आम इंसान हंसने के अलावा रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता कि जिसकी बाग हमें आगे देनी है उस बंदे को ये नहीं मालूम कि जिंदगी क्या है गम का दरिया है तो फिर किस तरह मामले हल होंगे तो इस टेस्ट में तो आना है परेशान तो होना है बिल्कुल ठीक है चले एक कॉलर को शामिल करते हैं जी कौन सा आप कहाँ से बात करें जी जी वाजिद साहब मैंने ये अच्छा सवाल है की से। हाँ, 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 हाँ। अच्छा चले मैं अभी आपको इसका जवाब दिलवाता हूँ बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की लाहौर से हमारे कॉलर से जी देखे बहुत ही अच्छा सवाल है और जबरदस्त इन्होंने मौके पे चौका खेला है अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहले मुतासर होने वाली चीज़ ही आंख है क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी खून का दबाव जब सर की तरफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू करता है तो जो दीवारें हैं जो सर्कल को लेके चल रही हैं खून के वो टूटना शुरू हो जाती हैं बिखरना शुरू हो जाती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि दिमाग की एक झिल्ली है जो है उसको लेके चल रही होती है वो चिर यानी उसमें चीरे यानी आना शुरू हो जाती हैं यानी क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर जिसकी वजह से Uh, सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली आँख होती है जिसमें यह समझ लीजिए कि मोतिया बंद हो जाना हुँ. या मोतिया का आ जाना या काले पानी की शिकायत होना शुरू हो जाती है और ये मुसलसल दो चीज़ों की वजह से होती है या तो आपको शुगर का मसला है या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है हुँ. ये दो मसले ऐसे मसले हैं इसके लिए मैं आपको बताऊँ सबसे पहले तो आप जो है एल सेवेंटी टू लेना शुरू कर दें दिन में तीन मरतबा सुबह दोपहर शाम इससे एक तो आपका डिप्रेशन बहुत बेहतर होगा जहनी दबाव बहुत ठीक हो जाएगा और मेंटली और फिज़िकली आप सही रहेंगे उसके अलावा जो है हमारे पास सनरिया मार्टिमा के नाम से आई ड्रॉप्स आते हैं आ, जो खास करके मोतिया और मोतियाबंद और काले पानी के लिए बहुत ही मौसर साबित हुए ये आ, जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आपको लनिंग जो है लेबॉर्टरीज फ्रांस में भी आपको मिल जाएंगे ये ये आप आँखों में दिन में एक मरतबा या दो मरतबा डालें इससे मोतिया आँखों का ख़त्म होगा और इन शाह तल ये और एल सेवेंटी टू और एक्सरूबिया जो है ये आपके डिप्रेशन को खत्म करने में बहुत साबित होंगे मामल सा इनशाला ठीक है जी चले, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तु जारी रहेगी और आपके सवालों को भी प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे रहें। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले गुतगु हो रही थी डॉक्टर सलमान से बात कर रहे थे हम कुछ आपकी बीमारियों के हवाले से आज स्ट्रेस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इससे क्या नुकसान होते हैं इंसानी जिसम के ऊपर अब से कुछ देर पहले एक सवाल हमारे कॉलर ने लाहौर से पूछा था और वो ये कि ये जो स्ट्रेस की वजह से क्या बिनाई के ऊपर भी असर पड़ता है और ये हम डिस्कस कर रहे थे कि इससे बिल्कुल आपने कहा इससे बिनाई बिल्कुल जा भी सकती है और क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर जो है शेयर नहीं करते किसी से बात यानी अपना कोई दोस्त नहीं बना नहीं बनाते या अगर कोई दोस्त होता है तो उससे वो बात वो कर नहीं पाते जो उन्होंने करनी चाहिए थी या वो जो सोच रहे होते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि यार अगर मैं ये बात करूँगा तो या तो इसका मजाक उड़ाया जाएगा या इसका हल नहीं निकल पाएगा तो ऐसे लोग हमारे यहाँ माशरे में कोई अस्सी फीसद है कि जो बेबाक नहीं होते और जो दूसरों को सामने देख कर चुप हो जाते हैं कि पता नहीं यार वो क्या कह गया और ये क्या कह गया और जो बीस परसेंट जैसे लोग होते हैं तो वो लड़ भी लेते हैं माशरे से और भिड़ भी लेते हैं माशरे से और अपना हक जो है छीन भी लेते हैं माशरे से लेकिन मैं उन लोगों को कहूँगा कि जो बेसिकली स्ट्रेस इसी बात का लेते हैं कि अगर मैंने कह दिया तो बुरा ना लग जाए देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि कह के देख लेने में कोई हर्ज नहीं होता हो सकता है कि आपकी बात मान ली जाए आपकी बात रख ली जाए और आपका मसला हल हो जाए और आपका जहनी दबाव जो है वो कम हो जाए या फिर आज बड़े मज़े की एक मैं आपसे एक बात करता हूँ देखिए अगर हम कायन के हवाले से बात करें तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक जोड़ी बनाई है ज़मीन के लिए आसमान बनाया सूरज के लिए चांद बनाया ठीक है जी पहाड़ बनाया दरख्त तो और पहाड़ का एक जोड़ रखा इन औरत और एक मर्द का जोड़ रखा है इसी तरह अल्लाह ने अंदर हमारे एक केमिकल का एक तनाव और एक तनासब रखा है बिल्कुल ठीक है रेजिस का तनाव और तनासुब रखा है आपको <laughs> मैं एक बड़ी छोटी सी बात बताऊँ आपने अक्सर लोग को देखा है कि धूप पसंद नहीं होती और अक्सर लोग को धूप पसंद होती है अब यही सूरज है जो गर्मी में आप इससे भाग रहे होते हो और सर्दी में इसके करीब जा रहे होते हो जबकि ना तो अपना फासला कम कर रहे हैं ना वो तेज हो रहा है ना कम हो रहा है इसमें कोई हीट का असर है वो नहीं है वॉल्यूम की आप कम और ज्यादा उसको कर रहे हो तो अल्लाह का एक निज़ाम है ठीक है ना वही धूप आप अब सर्दियाँ हैं आप आग की तरफ जाएंगे हाथ सेकेंगे यही गर्मिया है आपको आग से झुलस रहा होगा चेरा आपका तो हम जब किसी से कोई दोस्ती करते हैं और हम जब कोई दोस्त बनाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हमें चिड़ आती है बिल्कुल ऐसा ही और वो चिड़ ऐसी होती है कि वो कोई बात करते है ना, आपको दिल पे लग जाती हुँ। हुँ। है या आपको बुरी लग जाती है और आपको पता होता है ये तो है ही ऐसा इसने तो करनी ऐसी बात है हुँ। हुँ। तो ये बड़ा निज़ाम अल्लाह का ये है कि एक शख्स आपको माइनस फेंक रहा है मैथोमेटिक फिजिक्स और दूसरा आपको प्लस फेंक रहा है अगर माइनस प्लस है तो एक अच्छी दोस्ती चल सकती है लेकिन अगर आप माइनस और वो माइनस है तो आप दोनों में लड़ाई होगी और झगड़े और फसाद ठीक है कॉलर को शामिल करें जी जी बिल्कुल कॉलर को शामिल करते हैं जी। <coughs> अच्छा नहीं है हो जी। अच्छा जी। इसके अलावा सबसे मेन चीज है अंदर रेजिस को यानी जो जिसम के अंदर हमारे जो तापकारी है जिसको हम रेज भी कहते हैं इसमें चार बड़ी रेजिस का बड़ा नाम है जिसमें अल्फा है गामा है बीटा है थीटा है अच्छा अमूमी आपने देखा होगा लोगों की शिकायत है कि जी जिसम बड़ा गर्म रहता है चेहरा गर्म रहता है हतीलियाँ गर्म रहती हैं पैर के तलवे गर्म रहते हैं वो ज़्यादातर जहनी दबाव और तनाव का भी शिकार रहते हैं बात करते वक्त वो अपनी बात को भूल जाते हैं एकदम गु़स्सा करना शुरू कर देते हैं उनका मेदा अक्सर ख़राब रहता है और उपकाई की उनको कैफियत रहती है और सुबह उठ के ज़्यादा वो परेशानी का आ, जो है शिकार रहते हैं सबसे पहले तो उनके लिए मैं फिर वही रिकमेंड करूंगा एल सेवेंटी टू कि इसको ज़रूर 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 जो है वो इस्तेमाल करें इससे आपके तमाम मामले जो इस टेस्ट के हल होना शुरू हो जाएंगे उनकी जो बीटा रेज है वो बहुत एक्टिव होती है अच्छा बीटा रेज को कवर करने के लिए अल्फ़ा रेज है जो कि ठंडी रेज है अब इनका क्या होता है कंबिनेशन होता है जिनका अल्फ़ा बढ़ा हुआ होता है वो नजले का शिकार रहता है जिनका बीटा बड़ा होता है वो पसीने का शिकार रहते हैं तो है। ये बड़ी रेजिस का अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है अंदर अल्फा बीटा गामा थीटा थीटा रेजिस वाले जो लोग हैं उनकी शुगर जो है बहुत डोर रहती है वो अक्सर यही होता है कि लो ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं और सारी बातों को सिर्फ सर्व कर रहे होते हैं जी।, जी 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 अच्छा और यही वो लोग हैं जो माशरे में पैंतालीस फ़ीसद तबाही की तरफ है और जी हाँ जी हाँ और हाँ जी हाँ जी करने के चक्कर में वो ख़ुद भी तबाह हो रहे हैं अपने आप को जहनी मरीज़ भी बना रहे हैं साइकोपेशन भी अपने आप को बना रहे हैं और अपने घर को भी तबाह कर रहे हैं अपने बच्चों पर भी, भी तो नहीं देते अपनी फैमिली और अपने दोस्तों पर भी तो नहीं देते तो बर मेहरबानी जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बात को समझने की कोशिश करें ताकि आप उसका दुरुस्त तरीके से जब जवाब देंगे तो आपका जो लाशोरी एक मिजाज है वो शौरी मिजाज पर हावी ना हो पाएगा और आप बेहतर तरीके से इस माशरे का एक बेहतरीन फ़र्द और हिस्सा बन सकेंगे बिल्कुल ठीक है इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तु करते हैं और बात हो रही है आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से कि इस स्ट्रेस को कैसे काबू करना है और उससे जो नाइस पैदा होते हैं उसके ऊपर हम गुतगु कर रहे हैं जो आपके पर्सनैलिटी के अंदर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जो आपके जिसम के अंदर ख़ासतौर पर जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं इनकी भी एक बड़ी वजह यही बनता है और ये ब्लड डिसऑर्डर जब हम कहते हैं तो इसमें शुगर हाई, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं है। तो इसको कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाए लेकिन अब सवाल एक कॉमन क्वेश्चन जैसे अभी हमारे भाई ने कुछ देर पहले सवाल ये किया था क्योंकि ये जो इस वक्त आपकी ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन है जो कंडीशन है ये इतनी वायबल नहीं है इतनी कंड्यूसिव नहीं है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है तो वो तनाव की तो कैफियत है और फिर सुबह के वक्त उठते हैं कोई बुरी ख़बर मिल गई या कोई बुरी शक्ल देख ली या कोई इस तरह की बात हो गई तो उससे भी लोग बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं। कैसे उसको करेंगे? दो सौ रुपए किलो वाले अंडे तो बेहतर दो, दो सौ रुपए दर्जन वाले अंडे खाएंगे तो डिप्रेशन में रहेंगे, हुँ, हुँ, तनाव के शिकार रहेंगे। कोई भी प्रोग्राम का पन्ना उठा लीजिए कोई भी प्रोग्राम का वर्क उठा लीजिए जो मुख्तलिफ हैं जो चल रहे एक ही बात महंगाई 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 अभी रिसेंटली अठारह तारीख को एक जलसा भी हुआ महंगाई 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 मुझे ये बताइए महंगाई किस दौर में नहीं थी चलिए मुझे कोई एक दौर ऐसा बता दीजिए मैं आपसे सौ साल पहले की बात नहीं कर रहा मैं ठीक है ठीक है मैं आपसे अभी की बात कर रहा हूँ जब हुँ. से पाकिस्तान बना कौना? जब से लेकर अब तक में क्या आबादी नहीं बढ़ी क्या लोग नहीं बढ़े तो जब लोग और आबादी पढ़ेंगे तो हुँ. आपने गंदुम भी ज्यादा उगानी है आपने चावल भी ज्यादा उगाने आपने चीनी यानी गन्ने भी ज्यादा उगाने लेकिन मसला यहाँ पे यह नहीं है मसला यहाँ पे यह आ रहा है कि आबादी मुसलसल बढ़ रही है और अजनास मुसल कम हो रहे जब चीज़ कम और ज़्यादा के तनाजुल पे आ जाती है तो एक झगड़ा शुरू हो जाता है तेरा और मेरा आप यकीन करें आने वाला वक्त हम पे और ज़्यादा कफ एंड टाई आएगा जब आपके पास गंदुम इजाफी सेव करने की होगी नहीं तो आप कहाँ से सेव करेंगे जब आपके पास पानी इजाफी सेव करने के लिए डैम नहीं होंगे तो आप पानी कहाँ से सेव करेंगे और यहाँ से जो जहनी तनाव और डिप्रेशन है यकीन कीजिए कि तबाही लाने वाला है हमारे ऊपर hmm. हम ये जो समझ रहे हैं ना कि बस जी ये माशरा इस हवाले से नहीं अभी बहुत बुरा वक्त और बहुत टफ टाइम हमारे ऊपर आने वाला है लेकिन जो इससे पहले हमारी जो फौजिया सिद्दीकी साहिबा के आगे गई hmm. जनवरी की बात मैं तो नहीं करूँगा लेकिन <laughs> hmm. मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि देखिए hmm. आने वाला वक्त बहुत टफ है अपने आप को तैयार रखिए अपने आप को मजबूत रखिए कि आपने लड़ना है इस वक्त से और आपने टकराना है इस बुरे वक्त से और जीत कर दिखाना है आटा आप समझें कि कम हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा कि आटा आपको 11 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाए तो फिर आप देखिए कि अगर उस वक्त आबादी 11 करोड़ थी तो इस वक्त 24 करोड़ है फ़र्क पड़ता है आपकी चीज़ बढ़ती है आप आपको अब आप, आप ये करें कि आप उस वक्त अगर बीस हज़ार कमाते थे तो बच्चे चार पलते थे आराम से आज आप एक लाख बीस हज़ार कमाते हैं जिसमें स्कूल की फ़ीसें चली गई जिसमें आपका राशन पानी चला गया जिसमें आपके मैनेजमेंट चली गई हम खुद कसूरवार हैं बच्चे पैम्पर पहनेंगे तो नुकसान हमारा है लेकिन हम इसमें अपनी बजट लगा रहे होते हैं ठीक है जी तीन हज़ार रुपये हमारे उसके बजट में बच्चे ने नीडो दूध पीना होता है उसमें बजट के हमारे पैसे चले गए बच्चे ने हमारे जो है खिलौने भी हमने उसे दिलाने होते हैं बच्चे को स... अब आप ये सोचें कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें कोट भी चाहिए हमें पैंट भी चाहिए हमें टी शर्ट भी चाहिए जीन्स भी चाहिए जूते भी अच्छी चाहिए वरना हम कहीं नहीं जाते ये भी इस स्टेस की एक वजह है राइट बिल्कुल ठीक है यानी ये भी एक वजह है कि ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से हो गई है कॉलर को शामिल करते हैं फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे जी अस्सलाम वालेकुम जी तो वालेकुम सलाम बात करें पुलिस थाने से फरमाइए क्या कहेंगी आज आपके प्रोग्राम का टॉपिक बहुत अच्छा है जनरली टॉपिक है और लोग बहुत ज्यादा इस पे भी हैं आजकल आपको पता है सबका यही मसला है बच्चे हो तो उनको एंजाइटी होती है बड़े हो तो उनको भी यही चीज होती है हर मामले में डिप्रेशन है टेंशन है

जो वर्किंग वूमेन होती है उसको भी टेंशन होती है बिल्कुल कि उसको पहुंचना होता है टाइम पर अपने ऑफिस ज़्यादा मामला आँगा तो, आँगा तो, 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 तो तो भी तो भी इसमें होते हैं के है। लेकिन मैं आपसे जी जी आपकी आवाज़ आ रही है आप अपना सवाल मुकम्मल कीजिए में अमूमन एनजाइटी के मेडिसिन होती हैं डिप्रेशन टेंशन के जो लोग करते हैं

आपके सवाल के मुताबिक आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या स्ट्रेस को कम कर सकती है या यानी तनाव और दबाव को कम कर सकती है।, है या एंजाइटी या का डिप्रेशन का जो काम बेसिकली देखें एंजाइटी बड़ी वजह है मैंने आपसे हर प्रोग्राम में की बात करता हूँ परहेज के हवाले से तो मैं चाहूंगा कि वो वाली बात आप बताएं परहेज वाली बिल्कुल ठीक है कि आपने जो है वो परहेज रखना है परहेज को जब आप मलूज रखेंगे तब आप काफी चीज़ों से बच सकेंगे ये बात हम अब आप, आपने जब आपका मैदा खराब होता है तो यहीं से सारी तबाही शुरू होती है हुँ. जिगर का खराब होना खून का गाढ़ा होना और फिर डायरे के दिमाग की झिल्लियों पर असरअंदाज होना हुँ. तो होम्योपैथिक में इसके अलावा एक तो मैंने अभी एल सेवेंटी टू का भी मैं आपको दोबारा बता दूंगा इसके अलावा एक हमारे पास मेडिसन है जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें अल्फा टॉनिक हमारे पास मौजूद है अल्फ़ा टॉनिक भी आप इसे कह सकते हैं अल्फा मदर टिंचर में भी आप इसको कह सकते हैं दिन में तीन मरतबा सुबह दोपहर शाम बीस बीस कतरे आधे गिलास पानी में लीजिए जिससे आपके इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और आपके जो खाना है वो नेचुरल प्रोसेस पर हज़म होना शुरू हो जाएगा इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि एल सेवेंटी टू जो है ये लहनिंग लेबॉटरी फ्रांस की ये दवा है आप इसका इस्तेमाल अपने लिए शुरू कर दिए इन्जाइटी के लिए एनजाइटी मतलब कि अगर आपके मेदे में जलन हो रही है सीने में जलन हो रही है खाना हज़म नहीं हो रहा उपकाई उल्टी मतली की कैफियत आपके ऊपर तारी हुई है या ऐसा हो जाता है खाना खाने के बाद तो एल सेवेंटी टू उसको भी सही करती है और एल सेवनटी टू से नींद बहुत अच्छी आती है और एल सेवनटी टू अगर आप सुबह में लेते हैं तो आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा right. जो है गुजरता है और आप आसानी से अपने तमाम उम्र खास करके वो लेडी जो वर्किंग कर रही हैं ऑफिस वर्किंग कर रही हैं टीचर हैं टीचिंग कर रही हैं या किसी भी फैक्ट्री में काम कर रही हैं तो वो एल सेवेंटी टू का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल शामिल रखिए दबाव कम पड़ेगा अच्छा काम कर सकेंगे और माशरे का अच्छा हिस्सा बन सकेंगे ठीक है जी कॉलर को शामिल करते हैं असल अच्छा कॉलर ड्रॉप हो गए जी तो ये आपने बिल्कुल ठीक है ख़ुत के मसाइल भी हैं और वो दीदी कि हाउस मैनेजमेंट है और ये जो होम इकनोमिक्स होती है ये कर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है और जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं और ये अभी जो हमारी कॉलर इन्होंने क्वेश्चन किया था बिल्कुल ठीक है कि ज़्यादा एंटी डिप्रेजेंट के ऊपर जो रिलइंट हो जाते हैं

कि ये तो आपको एक अच्छा इसमें कोई एज लिमिट है या ये हर... नहीं इसकी कोई एज लिमिट नहीं है ये मैक्सिमम टेन ईयर से शुरू हो जाता है ठीक है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हमारे यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं हुँ. वो भी और बड़े बड़े बुजुर्ग भी जो हैं इस चीज़ का शिकार है चालीस साल के बाद ये तबाही लाता है और मैं आज आपको इस चैनल के थ्रू यासिर के ट्वेंटी के थ्रू एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि डिप्रेशन हमला करता है चाहे वो जवानी में करे चाहे बुढ़ापे में करे या बचपन में करे लेकिन ऐसा होता है और यही चीज से आपने निकलना है और इसी चीज़ से आपने लड़ना है अब ज्यादा मुतासर और ज्यादा लोग जो है जहनी तनाव और दबाव के इसलिए सामने आ रहे हैं इस वजह से आ रहे हैं कि अब हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं महंगाई बढ़ने की वजह से भी है कुछ माशरे में तनाव की वजह से भी आपस में झगड़े की वजह से भी है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं और सबसे बड़ी वजह तालीम की कमी ठीक है हमारे पास जब तालीम नहीं होगी हमें शूरी नहीं होगा तो यकीनन हम झगड़े और फसाद की तरफ और जो है मनफी सोच के बजाय मुस्बत सोच के बजाय मनफी सोच की तरफ जाएंगे तो जरूरत यही ये, ये ही है कि हम फिर सारे मामलों को अपने खुद अपने हाथों से बिगाड़ पैदा कर लेंगे कॉलर को शामिल कर लें असल जी कौन सा बात कर रहे हैं जी जी आपकी आवाज़ आ रही है फरमाइए जी जी आपकी आवाज आ रही है सवाल कीजिए ये बता जी जी।, तो जी, जी।, तो जी 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 ठीक तो है।, मैं, मैं, मैं तो अच्छा है और ये अक्सर सवाल ये जो इन्होंने किया है ये सिर्फ इनका सवाल नहीं समझे एक अवाम का सवाल कर दिया कि जो पता नहीं कितने लोगों को ये मसला है और ये ज्यादातर जो है फोर्टी के बाद ये चीज सामने आती है कि आप नमाज पढ़ते हुए रिकत भूल जाते हैं एक सजदा करने के बाद आपको याद ही नहीं रहता कि मैंने एक तो सजदे किए दो सजदे किए हैं या आप खाने में नमक आपने ये खातन के साथ भी के डाला रहता भी है कि भूल जाती नमक डाल के कि मैंने डाला है या नमक नहीं डाला बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि आप अपनी चीज रख के भूल जाना घड़ी रख के भूल जाना पर्स रख के भूल जाना बहुत बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब ये दूंगा कि हमारे पास होम्योपैथिक में एक मेडिसन है जो है काली फास ये आप रोजाना एक खुराक टू हंड्रेड एक्स में टैबलेट के अंदर आ, सुबह दस गोली खाया करें इसकी और साथ के साथ अगर आपको शुगर नहीं है तो आप आ, जो है रक्स का इस्तेमाल दिन में दो मरतबा दूध में मिला के कीजिए आपको ज़्यादा नहीं कहता सिर्फ तीन बॉक्स के इस्तेमाल कीजिए और आ, एक शीशी जो है वो कालीफाज टू हंड्रेड एक्स में इस्तेमाल कीजिए इन शाला इन शाला इन शाला आपकी यादाश्त बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और आपने अगर किसी को उधार दे के भूल गए तो आप वो भी वापस ले लेंगे बिल्कुल ठीक है जी चलें ये आ, अच्छी बात है ये जो आपको बताई जा रही है अद्वियात का इस्तेमाल करके देखें और इसके नतज़ज़ देखें क्या आ, निकलते हैं और ये ज़रूरी है बिल्कुल ठीक है कि ग़ा के अंदर जो कमी और कोतायाँ हमसे हो रही हैं क्योंकि गज़ा एक तो खालिस नहीं है और दूसरा कि अब तो दस्याब भी नहीं है तो ये बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से जो ये है ये नुकसान हो रहे हैं तो इसका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है और जैसे बार बार इसके ऊपर ज़ोर दिया जाता है कि परहेज़ का आपने ख्याल रखना है जो ईटिंग हैबिट्स जिसको हम कहते हैं आपके जो खाने पीने की आदात हैं

जिसकी वजह से एसिडिटी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बदजमी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उल्टियाँ और मतलिया नहीं शुरू हो जाना है तो मकसद कहने का ये है कि खाना दो टाइम खाएँ एक वक्त का खाना बचाएँ और अपनी उम्र बढ़ाइए क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शेड्यूल यही था कि आप उनका तरतीब खाने की यही थी कि आप जो है वो दो मरतबा खाना खाते थे और अगर दोपहर में जब खाना खाते थे दुला करते थे यानी आराम फरमाते थे थोड़ी देर के लिए ताकि मेदे को सुकून और मेदे को मेदे आराम मिले तो बेहतर यही है कि अपने खाने में तेल वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल कीजिए कोल्ड ड्रिंक का कम इस्तेमाल कीजिए चिकन को ज़रा बाय बाय कर दीजिए अपने पास से दूर कर दें और अगर गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मछली के गोश्त का इस्तेमाल करें गाय के गोश्त का इस्तेमाल करें बकरे के गोश्त का इस्तेमाल करें लेकिन एक हदूद में रहकर हदूद से बाहर ना जाएँ और चर्बीली गज़ा और तेल वाली ज़ाओं का कम इस्तेमाल करें कोल्ड ड्रिंक्स मैं हर बार आ, मैं या सिर यही बात करता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिए क्योंकि जहर है और ये आपको डिप्रेशन में मददगार साबित होता है आपकी तबीयत ख़राब करने में और आपका जहनी और जिसमानी आपको डिस्टर्ब करने में तो बेहतर यही है कि आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे जितना और सबसे बड़ी बात एक रुकू कुरान मजीद फुर्क़ान हमीद की रोज़ाना तिलावत कीजिए तर्जुमे के साथ और पानी पर दम करके पी भी लें इससे बहुत दिल को सुकून मिलेगा राहत मिलेगी और नमाज जो है ये बेसिकली राहत है सुकून है और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं जब परेशान हो तो नमाज़ में सजदे में झुको नमाज से मदद हासिल बेशक बेशक बिल्कुल आपने ठीक कहा बहुत शुक्रिया आपका सलमान आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया डॉक्टर सलमान सिद्दीकी हमारे मेहमान थे और उनसे आज हम बात कर रहे थे आपकी सेहत के हवाले से और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा आज ही के दिन हमारा स्केजल प्रोग्राम होता है मिड वीक में और जिसमें हम होंगे डॉक्टर सलमान सिद्दीकी से आपकी सेहत के हवाले से सवाल करते हैं तो आपके जो पैगाम हमें मौलूल हुए हैं इन शाला नेक्स्ट सेटिंग में हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और जो दीगर अमरराज हैं जैसे आर्थराइटिस वगैरह के हवाले से हमारी एक डिटेल डिस्कशन हो चुकी है और भी दीगर अमराज हैं इसके ऊपर इनशाला आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर गफगू करेंगे यहाँ पर इजाजत लेने का वक्त है कल इन शाला इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहम्मद यासर और हमारी टीम को दीजिए इजाजत हलने के बाद